कपीथ जम्भो फल चारु भक्षण उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमाम विघ्नेश्वर पाद पंकज नमाम विघ्नेश्वर पाद पंकज वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दन देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगत मैंने भी सौंप दी प्रभु तेरे हाथों में डोर सुलझत फिर उलझत नहीं जगु रक्षक नंद किशोर जगु रक्षक नंद किशोर जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिचोर प्रभु जय जय मां जय जय राधे मैं राधे की दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन श्री वृंदावन आई हनुमान जी विराज कथा करहु मति अनुसार प्रेम सहित गति धरु बैठिए पवन कुमार बैठिए पवन बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय महाकालेश्वर भगवान की जय देवनारायण भगवान की जय दुर्गा माता की जय बिजासन माता की जय बगलामुखी माता की जय गौ माता की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव आइए आप हम सब मिलकर के दो मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं ताली बजाकर सभी कहें सीताराम 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 राधे श्याम राधे
अचिरण शरण दया के धाम हो, मुझे भरोसा तेरा शाम हो, मुझे भरोसा तेरा शाम, करुणा कर अपना लोशा, ओ करुणा कर अपना लो श्याम, अपना दास बना लो श्याम, ओ अपना दास बना लो श्याम, सीताराम सीताराम, ओ सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और बड़ी गमगीन कहानी है इस जिंदगानी की, बड़ी गमगीन कहानी है इस जिंदगानी की, क्यों? क्योंकि उम्र ढलती है तो फिर मरघट की याद आती है, जैसे जैसे उम्र ढलती है फिर मरघट की याद आती है, इसीलिए भाव से भगवान का भजन करिए, कीर्तन गाए मेरे साथ, ताली बजाइए, जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कब मृत्यु हो जाए, कब हमारा आखिरी दिन हो जाए, इसीलिए ताली बजाकर कीर्तन गाएं और कहें, विमल कथा कर कीन अरंभा, ये विमल कथा कर कीन अरंभा, सुनत न साही काम मददंभा, सुनत न साही काम मददंभा, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर।
अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछित कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री संत महंत श्री हनुमंत लाल के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन करते हुए आपके हमारे इष्ट देवता ग्राम देवता स्थान देवता कुल देवता पितृ देवता सभी को प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सभी माताएं बहनें मातृशक्ति एवं देव डुंगरी शिवगढ़ के आप सभी भक्तगण और आसपास के गांवों आसपास के क्षेत्रों से पधारे हुए अरनिया बही गांव नानिया खेड़ी और नानू खेड़ी बगावत और इकलेरा कानड़ आगर कहाँ को बिलवास कोडिया चलो जहां जहां से भी पधारे हैं आप सभी भक्तों को एवं आप सभी माताओं को मैं भगवान राधा कृष्ण का स्वरूप समझकर आपको मैं प्रणाम करती हूँ। कथा का आज विश्राम दिवस है। भगवान देवनारायण मंदिर के प्रांगण में जो भगवान की कथा चल रही थी आज वो कथा यहाँ विश्राम ले लेगी। कथा के 7 दिन कब निकल गए पता नहीं चला, आपको शायद मालूम पड़ा हो पर मुझे तो मालूम नहीं पड़ा कि 7 दिन कथा के कब निकल गए। लग ही नहीं रहा कि आज विश्राम दिवस है कि आज कथा यहाँ विश्राम ले लेगी। ऐसा लग रहा है कि अभी तो 2-4 दिन ही हुए हैं कथा के। पर जैसी भगवान की मर्जी, खैर कथा कभी ना कभी तो विश्राम लेगी ही। आज उस कथा का विश्राम दिवस है। और देखो कथा कभी भी खत्म नहीं होती। मेरी बात पर ध्यान देना, शब्दों पर ध्यान देना। आज भागवत कथा में हमारे जनपद सदस्य आपके सबके जाने माने श्री गोपाल जी शर्मा और उनकी बेटी मंजू जी शर्मा वो आकर भागवत जी का पूजन करना चाहते हैं, भागवत जी से आशीर्वाद देना चाहते हैं। आप आकर यहाँ ताली बजाओ इन दीदियों के लिए। वाह वाह वाह। अच्छा हाँ, हमारे बाबू जी जो है जनपद सदस्य, वाह वाह वाह, गोपाल जी शर्मा जी और उनकी बेटी जो है मंजू जी शर्मा वो आकर यहाँ। वाह, हमारी दीदी को पगड़ी पहना कर, दीदी को पगड़ी पहना रहे हैं वो, ताली बजा दो एक बार इनके लिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हमारे शर्मा जी मंच पे आ जाए, वो भागवत जी का दीदी का स्वागत करना चाहते हैं। ये हो अभी जिनके भी पूजा करनी हो नीचे से पूजा करें, अपनी कथा डिस्टर्ब हो। वाह बेटी मंजू शर्मा पूजा कर रही हैं दीदी का, ताली बजा दो इनके लिए भी। हाँ जनपद सदस्य हमारे बाबूजी।
बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोली देव नारायण भगवान की जय। मैं निवेदन कर रही थी कि कथा कभी भी खत्म नहीं होती है, कथा कभी भी पूर्ण नहीं होती, या कथा का कभी कोई आखिरी दिन नहीं होता। शब्दों पर ध्यान देना, ऐसे शब्दों का उपयोग कथा में नहीं करना चाहिए कि आज कथा खत्म हो जाएगी, कि कथा पूरी हो जाएगी, कि कथा आज आखिरी है, कि आज तो कथा खत्म ही है। नहीं, देखो कथा कभी भी खत्म नहीं होती, कथा हमेशा विश्राम लेती है। आज यहाँ विश्राम ले रही है, कल कहीं और प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि भगवान की कथा अथा सागर है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं है, इसका कोई पार ही नहीं है कि कथा कितनी है। और 7 दिन 9 दिन तो ये एक विधान संतों ने महात्माओं ने रख दिया कि इतने दिन में कथा आपको करना है, जबकि देखा जाए तो भगवान की कथा अथा सागर है। 7 दिन में कथा पूरी नहीं हो सकती, 9 दिन में राम कथा पूरी नहीं हो सकती, पर नियम चला आ रहा है वो तो करनी पड़ती है। बाकी भगवान की कथा तो अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है। वही कथा आज आप हम सब इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, विगत 7 दिनों से श्रवण कर रहे थे, जिसका आज विश्राम दिवस है। बढ़िया बढ़िया खुशबू भी आ रही है उधर से। आज तो कोई भोजन करके नहीं आए होंगे घर से, है ना, जब भी आवाज कम निकल रही है, नहीं तो अभी तक तो आप बाजार लगा देते। थोड़ा शांति बना कर देखो, 7 दिन तक आपने खूब अच्छे से कथा सुनी, आज विश्राम दिवस है, आज भी बढ़िया सुन लो, कल से कोई नहीं कहेगा कि आओ कथा में कि अयाड़ी देखो, कि शांति से कथा सुन। सुख के दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं और दुख की एक रात बिताना भी बड़ी मुश्किल से बीतती है, वो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। एक रात भी एक एक सेकंड कैसे निकलता है वो बहुत मुश्किल होता है। आपके हमारे ये आनंद के ही दिन थे, सुख के ही दिन थे, घर जाने के बाद फिर वही झंझट संसार का, भोजन बनाना, तो परिवार को देखना, तो घर के काम काज में व्यक्ति लगा रहता है। देखो भगवान की कथा का एक ऐसा प्रभाव है, भगवान की कथा की ऐसी विचित्रता है कि यहाँ बैठने के बाद व्यक्ति अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। आपने भी गौर किया होगा 7 दिनों में और पहले भी कथाओं में, ऐसा तो है नहीं कि पूरी तरीके से आप सुखी हो संसार में, कोई सुखी नहीं है पूरी तरीके से, किसी ना किसी को कोई ना कोई दुख जरूर है। कहते हैं कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई चिंता चित्त उदास, किसी को परिवार की चिंता, किसी को बच्चों की चिंता, किसी को पढ़ाई की टेंशन, किसी को धन कमाने की चिंता, तो किसी ना किसी को कोई ना कोई दुख जरूर है। पूरी तरीके से कोई सुखी नहीं है संसार में, कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति जो दावे के साथ छाती ठोक कर कह सके कि मैं पूरी तरीके से सुखी हूं। सबको कोई ना कोई दुख है, पर भगवान की कथा का ये प्रभाव होता है, ये सत्संग का ये परिणाम होता है कि व्यक्ति यहाँ आके बैठता है ना, तो भले ही थोड़ी देर के लिए, भले वो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, थोड़ी देर के लिए वो अपने दुख दर्द भूल जाता है। जब तक यहाँ बैठेगा तब तक उसको घर परिवार याद नहीं आएगा, तब तक टेंशन कोई नहीं सताएगी। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ से जाओ फिर वही झंझट में आप फंस जाओ, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं,
पर जब तक यहाँ बैठे हो तब तक तो कोई टेंशन ही नहीं होता, निश्चिंत होकर के व्यक्ति कथा, और यही कथा का परिणाम है, यही कथा की विचित्रता है। कहते हैं कि भगवान की कथा ऐसी है, कोई 7 दिन तक लगातार कथा सुने, 7 दिन तक खूब लगातार कथा सुने, उस व्यक्ति को जैसे मैंने आपसे कहा था कि विमान आता है भगवान के धाम से, तो आप लोग शुरू दिन तो डर गए थे कि कहीं सही में विमान ना आ जाए, और मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, आज भी करूं कि 7 दिन तक कोई लगातार कथा सुनता है और भाव से अगर कथा सुनी है, श्रद्धा विश्वास के साथ अगर कथा सुनी है, तो उस व्यक्ति के लिए विमान तो आता है, पर कब आता है, जब उसका अंतिम समय होता है ना, मृत्यु का समय, वो फिर कभी भी आ जाए, वो 10 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, कि आप कितने ही साल बाद मरो, जब भी अंतिम समय आएगा तो भगवान के धाम से विमान जरूर आता है। तो आप कथा आपने सुनी है तो ये मत समझना कि अब कथा सुन ली अब कोई मतलब नहीं, नहीं, आप हम जो भी दान पुण्य करते हैं, जो भी सत्कर्म करते हैं, वो कहीं ना कहीं काम जरूर आता है, कहीं ना कहीं आड़े जरूर आता है। तो ये कथा ऐसे निष्फल नहीं जाएगी जो आपने सुनी है, देव नारायण भगवान की साक्षात कृपा है कि आप सब समस्त ग्रामवासियों के द्वारा इतनी बढ़िया कथा, ऐसे मौसम में भी कथा हो रही है और हम लोग कथा सुन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। आइए उसी के साथ में कथा में प्रवेश करते हैं। जल्दी जल्दी बता दो कल कथा ने कहाँ विश्राम लिया था, फिर क्योंकि आज जल्दी भी कथा पूरी करनी है, बताओ जल्दी जल्दी। कहाँ छूटी थी कथा रुक्मणी जी का विवाह हुआ था, किसके साथ, किसके साथ हुआ था, भगवान के साथ। चलो बढ़िया बढ़िया, रुक्मणी जी का विवाह हुआ, भगवान भगाकर ले गए थे रुक्मणी जी को, भीष्मक राजा ने समझाया रुक्मी को, उनके बेटे को, जिसने मना किया था कि मैं द्वारिकाधीश के साथ विवाह नहीं करूंगा, शिशुपाल के साथ विवाह तय किया था रुक्मणी जी का, तो भीष्मक राजा ने समझाया कि ये जो कन्या है हमारे घर जन्म लेकर आई है, ये साक्षात लक्ष्मी माता है, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, और जो द्वारिकाधीश है वो साक्षात नारायण है, तो लक्ष्मी का विवाह तो सिवाय नारायण की और किसी से हो ही नहीं सकता, इसीलिए जिद मत करो और मुझे कन्यादान करने का अवसर प्रदान करो। तब जाकर के पांचों भाई मान गए रुक्मणी जी के, और सुंदर बारात भगवान की चलकर द्वारिका से आई, कल आपने दर्शन किया ही था, वरमाला हुई और विधि विधान से मंत्र उच्चार के साथ भगवान का मंगल विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में तो फिर एक ही रस्म बचती है बेटी के विवाह के बाद, और वो होती है बेटी की विदाई, बेटी की विदाई। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सभी, सबका ध्यान इधर कथा में होना चाहिए। देखिए किसी के भी घर से जब बेटी विदा होकर के जाती है तो माता पिता परिजन बहुत रोते हैं, लेकिन खास करके वो पिता रोता है जिसकी वो बेटी है। संसार में कितना ही कठोर छाती वाला बाप क्यों ना हो, जो कभी नहीं रोता हो, जिसको कभी आंसू नहीं आते, उसके आंगन से भी जब बेटी विदा होकर जाती है तो वो पिता भी रो पड़ता है, क्योंकि बेटी की विदाई बहुत करुण होती है। बेटी हमारे घर से विदा होकर जाए या किसी और की बेटी हो, बेटी तो बेटी होती है, विदा होकर जाती है तो बहुत रोते हैं माता पिता।
आज रुक्मणी जी विदा होकर जा रही है तो उनकी माँ उनको शिक्षा देने लगी, बेटी सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरे। बेटी तू जा रही है अपने सास ससुर की ऐसी सेवा करना, ऐसी सेवा करना जैसी सेवा तू हमारी करती है माता पिता की तरह, और अपने पति का कभी साथ मत छोड़ना। कितनी सुंदर शिक्षा दे रही है माँ। तेरे पति के जीवन में कोई दुख आ जाए तो तू अपने पति का साथ मत छोड़ना, उसको दुखी छोड़कर तू हमारे घर मत आ जाना, और तेरे जीवन में कोई दुख आए तो चार आंसू अपने किसी कमरे के कोने में बैठकर बहा लेना, परंतु हमारे घर शिकायत लेकर के मत आना। सुख में मेरे यहाँ के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं, पर पति दुखी हो तो उसको अकेला छोड़कर, दुखी छोड़कर तू हमारे घर मत आ जा। शिक्षा देने लगी माँ। बेटी भी जब आंगन से विदा होकर जाती है तो अपने माता पिता से यही कहती है, थारा अंगना की चिड़िया बाबुल एक दिन उड़ जा। थारा अंगना की चिड़िया बाबुल एक दिन उड़ जाना। थारा अंगना की चिड़िया बाबुल एक दिन उड़ जाना। थारा अंगना की चिड़िया बाबुल एक दिन उड़ जाना। बाबुल एक दिन उड़ जाना। बोल एक दिन उड़ जाना। थारा अंगना की चिड़िया रे। बेटी कहती है कि पिताजी मैं तो आपके आंगन की चिड़िया हूं, एक दिन उड़ जाऊंगी। बेटी कोई जीवन भर तो घर में रहती नहीं है साथ में, एक ना एक दिन तो उसको जाना ही पड़ता है। वो आपके पास कितने ही वर्ष रहे, वो 20 साल रहे, 21 साल रहे, इससे ज्यादा बेटी नहीं रहती घर में। और जब वो आंगन से विदा होकर जाती है, जिस दिन विदा होकर जाती है उस दिन ऐसा लगता है मानो हमारे प्राण ही जा रहे हैं। मेरे भाई बहन, इस संसार में सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो वो कन्यादान है, सबसे बड़ा दान। पिता अपने कलेजे के टुकड़े को सौंपता है, अपनी बेटी को विदा करता है, अपनी कन्या का दान करता है, इससे बड़ा दान संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी संसार के लालची लोग थोड़े से धन के कारण अपनी बहू में आग लगा देते हैं, थोड़े से धन के कारण बहू को प्रताड़ित करते हैं, अत्याचार करते हैं बहन बेटियों पर। खैर अपने यहाँ तो दहेज की प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ तो कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है, दहेज तो नहीं लेते ना। जो पिता अपनी स्वइच्छा से दे दे बेटी को वही हम लोगों को स्वीकार होता है। हमारे मध्य प्रदेश में तो बड़ा अच्छा ये चलन है, पर हम लोग जाते हैं बिहार झारखंड में कथा करने, वहां दहेज का बड़ा चलन, 25-25 लाख रुपए मांगते, 25 लाख 30 लाख 50 लाख तक ससुराल वाले। बेटी तो चाहिए ही चाहिए, ऊपर से जो पिता दे रहा है उसकी मर्जी से वो भी, पर उनकी मांग अलग होती।
और अगर वो सब आपके पास नहीं है तो जीवन भर आपकी बेटी कुंवारी रहेगी, कोई ब्याह के नहीं ले जाएगा। दहेज का बड़ा चलन, पर हम लोग तो खैर देव नारायण की कृपा है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई चलन ही नहीं है, ये कुप्रथा ही नहीं है कि नहीं इतना दो तो ही बेटी को ले जाएंगे। अपने यहाँ तो कन्यादान सबसे बड़ा दान, आजकल तो फिर इतने सरल लोग हो गए संसार में, कुछ तो इतने बढ़िया होते हैं कि जो पिता स्व इच्छा से देता है वो भी नहीं लेते, नहीं आप तो कन्या ही दे दो बस और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा ही भाव होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अरे वो अपने कलेजे के टुकड़े को आपको दे रहा है, वो अपनी बेटी दे रहा है, इससे बड़ी बात और संसार में क्या होगी? कोई अपनी बेटी किसी को देता है क्या ऐसे? पर विश्वास करके आपको दे रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो जिसके भी घर में बेटी आती है बहू बनकर, बहू आए बेटी बनकर, तो उसको बेटी की तरह रखना चाहिए, क्योंकि आपकी भी तो बेटी है। आप अपनी बहू पे अत्याचार करोगे तो आपकी बेटी पर भी कोई आगे जाके अत्याचार करेगा, फिर आपको बुरा लगता, बुरा लगता है, वैसे उसके भी माता पिता को बुरा लगता ही होगा। अपनी बेटी है ऐसी सबकी बेटी मानो। मेरी बेटी को कोई दुख तकलीफ होगी तो मुझे बुरा लगेगा कि नहीं? तो वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उस पर हम अत्याचार करेंगे तो उसके माता पिता को कितना बुरा लगेगा? ये विचार करना चाहिए। बहू सास ससुर को ही माता पिता माने और सास ससुर बहू को अपनी बेटी माने तो घर परिवार बड़ा अच्छा चलता है। नहीं तो माता सास ससुर तो माता पिता तो उसको मान ही रहे हैं बेटी बहू को, पर बहू उनको सास ससुर ही मानती है तो फिर थोड़ा गड़बड़ मामला हो जाता है। ताली दोनों हाथों से बजती है, इधर से भी और उधर से भी, और दोनों हाथों से बजे तो ही आनंद आता है। एक हाथ से ताली थोड़ी बजी जाती है, दोनों हाथों से। आप सास ससुर भी बेटी की तरह माने और बहू भी माता पिता की तरह माने तो बढ़िया। अब इधर से बहू माता पिता मान रही है, सास ससुर बेटी मान ही नहीं रहे तो भी गड़बड़। तो ये शिक्षा लेनी चाहिए कथा से कि अपनी बहू को ही अपनी बेटी माने। आपकी बेटी तो चली गई ससुराल, अब जो बहू आई है वही तो बेटी है। ऐसे ही रुक्मणी जी भी विदा होकर के जाने लगी। भीष्मक राजा कभी नहीं रोते थे, बहुत कठोर छाती वाले थे, कभी नहीं रोते, पर आज जब बेटी विदा होकर जाने लगी तो आंख में आंसू आ गए। उनकी मां रोने लगी। रुक्मणी जी के पांच भाई थे, पांच, पांचों बहुत रोने लगे। विदा हुई रुक्मणी जी, माता पिता से कहने लगी। बेटी जब आंगन से विदा होकर जाती है तो अपने माता पिता से कहती है, क्या? मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन तेरे आंगन की।
आंगन से विदा होकर जाती है, अपनी माँ से कहती है, रुक्मणी जी की माँ रोने लगी। रुक्मणी जी बोली, हे मेरी माँ तू क्यों रोती है बेटी, पराया धन होती है। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है ये बेटी, पराया धन होती है। वो धनवान निर्धन की, ओ धन्यवाद यार निर्धन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया अब तो हुई मैं, अब तो हुई मैं, अब तो हुई मैं अपने साजन की। तेरे आंगन की मैं गुड़िया, बड़ा प्रेम प्यार रखती है घर में, पर सबसे ज्यादा लगाव उसका अपने पिता से होता है, सबसे ज्यादा लगाव। आपने देखा होगा जितना बेटियां माता पिता का ध्यान रखती है उतना बेटा नहीं रखता। पिता जब काम पर से आते हैं थके हुए, बेटा उसको पता है कि पिताजी आ गए, बैठा रहेगा, मोबाइल चलाता रहेगा, यार दोस्तों के साथ बैठा रहेगा, टीवी देखता रहेगा, वो उठ करके नहीं आता। पर बेटी को पता चल जाए कि अब पिताजी आ गए हैं तो हजार काम छोड़ करके वो तुरंत जल का ग्लास लेकर के आती है, तुरंत पिताजी आ गए। बड़ा लगाव बेटी का होता है पिता से। जब आंगन से विदा होकर जाती है तो कहती है पिता से, बाबुल मेरे मैं तो चली, देख के वचन ये मैं कहती, बाबुल मेरे मैं तो चली हूँ ये देख के वचन ये मैं कहती हूँ। लाज रखूंगी आंगन की, लाज रखूंगी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया अब तो हुई मैं, अब तो हुई मैं, अब तो हुई मैं अपने आसाजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, श्री हरि जय हो।
छूट गई माँ तेरी छूटी मेरी संग की सहेली छूट गई माँ तेरी देहरी लाज रखूंगी आँचल की लाज रखूंगी तेरे आँचल की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया हूँ मैं गुड़िया हूँ मैं गुड़िया बेटी विदा होकर के जाने लगी भीष्मक राजा सब परिवार वाले रोने लगे रुक्मणी जी को रथ में बिठाया और जैसे ही रथ चला तो भीष्मक राजा तब तक वहां खड़े रहे जब तक वो रथ दिख रहा था उसकी ध्वजा दिख रही थी घर आए सुना आंगन देखा तो फिर रोने लगे रुक्मणी जी भगवान के साथ द्वारिका में आती है कुछ वर्ष बीते कुछ समय बीता रुक्मणी जी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम प्रद्युम्न रखा गया प्रद्युम्न जी महाराज वैसे भगवान के कुल 16108 विवाह हुए हैं कितने 16100 बोलो ना 8 16108 कौन कौन से हुए भगवान के 16108 विवाह तो पहला विवाह तो रुक्मणी जी के साथ हुआ दूसरा विवाह हुआ भगवान का जामवंत जी की बेटी जाम्बवती के साथ एक भालू की बेटी के साथ भगवान दूसरा विवाह करते हैं अब सुनने में आश्चर्य तो लग रहा होगा कि भालू की बेटी के साथ भगवान ने शादी क्यों करी अच्छा भालू की बेटी भी तो भालू ही होगी ना उसके साथ भगवान ने शादी कैसे करी कथा आती है कि एक सत्राजित नाम का राजा था जो द्वारिका में आता है उस राजा के पास एक मणि थी उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि मणि की 10 घंटे पूजा करो तो 2 कुंटल सोना वो मणि निकाल के देती थी वो मणि सत्राजित राजा के पास में थी भगवान की सभा में एक दिन वो आया सत्राजित राजा गले में धारण करके वो मणि को लॉकेट की तरह पहन लिया गले में धारण करके आ गया भगवान ने ऐसी हंसी मजाक करते हुए पूछा कि राजन आप घर में कितने लोग रहते हो तो वो बोला कि प्रभु एक मैं हूँ एक मेरी पत्नी है एक मेरा भाई है प्रसेन और एक मेरी बेटी है सत्यभामा भगवान बोले कि इतने कम लोग आप घर में रहते हो 3-3.5 लोग तो घर में रहते ही बच्ची तो छोटी है अभी और इतना सोना देने वाली मणि आपके पास अगर आपको बुरा ना लगे तो ये मणि आप मेरे खजाने में रख दीजिए ताकि जब गरीबी आएगी जब लोगों को जरूरत लगेगी तब इस मणि से हम उनकी सहायता कर सकते हैं 10 घंटे पूजा करेंगे 2 कुंटल सोना जो मणि देगी तो हम गरीबों में बांट देंगे हमारे कानड़ से रोज जो कथा सुनने आते हैं कुछ भी हो उनके पाँव में तकलीफ भी है फिर भी वो मंदिर के पुजारी जी हमारे शिव मंदिर के पुजारी जी यहाँ रोज कथा श्रवण करने आ रहे हैं और दीदी को दीदी का स्वागत कर रहे हैं भागवत जी से आशीर्वाद दे रहे हैं वाह ताली बजाओ एक बार हमारे महाराज जी के लिए वाह वाह कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहर सागमध निदसानिद मगरे निदस राग बागेश्वरी
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो अखंड मंडलाकारं व्यापतमेन चराचर तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरवे देव नारायण को मंदिर है तो अच्छा अच्छा पागल हो गया है। हाँ, ये मैं कभी ऐसी चीज नहीं गाता हूँ पर वो वाह वाह आप लोग को देखकर कहाँ कहाँ से चीजें आ जाती है। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। दीदी जल्दी जल्दी 1:30 बजे आरती करनी है। अखंड मंडलाकारं व्यापतमेन चराचर तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मारे लिए तो ताली बजा। लोकेट की तरह मणि गले में डाल करके भगवान की सभा में आया तो भगवान बोले कि देखो इतने कम लोग घर में रहते हो, इतना सोना देने वाली मणि आपके पास, आप इस मणि को मेरे खजाने में रख दो ताकि गरीबों में हम इस सोने को बांट देंगे। सत्राजित राजा ने मना कर दिया, प्रभु क्षमा करना, मैं मणि नहीं दे सकता, मणि नहीं दूंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, मेरे यहाँ भी किसी बात की कोई कमी नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही भाव आया तो कह दिया, अब देना नहीं देना आपकी मर्जी है, जैसी आपकी इच्छा। राजा तो वहां से चला गया, पर कुछ दिनों के बाद उसी सत्राजित राजा का भाई प्रसेन, छोटा भाई, उसी मणि को गले में पहन करके, गले में डाल करके जंगल में चला गया वन विहार करने। वहां पर उसको एक चीता दिखाई दिया। उस चीते ने प्रसेन के गले में चमचमाती हुई वस्तु देखी तो चीते को लगा कि कोई खाने की चीज होगी, तो चीते ने प्रसेन को मार डाला, उसके गले में से मणि छीन करके वो ले गया। अब उसी चीते को रास्ते में मिल गए जामवंत जी महाराज। चीते के मुख में वो चमचमाती हुई वस्तु देखी तो जामवंत जी को लगा कि शायद कोई खेलने का खिलौना होगा, मेरी बेटी जाम्बवती छोटी सी है, उसके लिए ले चलता हूं। तो चीते को मार दिया जामवंत जी ने, दोनों में युद्ध हुआ तो जामवंत जी ने चीते को मार डाला और उसके पास से वो मणि छीन करके वो खिलौना समझकर अपनी गुफा में आए, अपनी बेटी जाम्बवती को वो मणि दे दी और कहा कि बेटी ये खिलौना है, इससे खूब खेलो। इतना सब कुछ हुआ जंगल में। जब अगले दिन पता चला सत्राजित राजा को कि मेरे भाई प्रसेन को किसी ने मार दिया, किसने मारा ये पता नहीं चला, तब सत्राजित राजा ने विचार किया कि थोड़े दिन पहले ही कृष्ण मुझसे कह रहे थे कि वो मणि मुझे दे दो और मैंने मणि नहीं दी तो हो सकता है कृष्ण ने मणि के खातिर मेरे भाई को मार डाला। इतना बड़ा कलंक भगवान के ऊपर लगा दिया कि मणि के खातिर कन्हैया ने मेरे भाई को मार दिया। पूरी द्वारिका में बात फैल गई। भगवान को जब पता चला तो रात भर कन्हैया को नींद नहीं आई, क्योंकि इस संसार में काजल से भी काली वस्तु अगर कोई है, काजल से भी काली चीज अगर दूसरी कोई है तो वो है बिना मतलब का कलंक। भगवान से प्रार्थना करो कि हे देव नारायण भगवान, बिना मतलब का कलंक मुझ पर कभी ना लगे, क्योंकि भले ही हमने कुछ नहीं किया पर एक बार अगर कलंक लग गया तो आप जीवन भर बदनाम, जीवन भर के लिए बदनाम हो जाओगे। भले ही आपने कुछ नहीं किया पर लोग सोचेंगे तो यही कि क्या पता किया होगा,
क्या पता ऐसा हुआ होगा। हालांकि द्वारिका में किसी ने ये बात नहीं मानी कि भगवान ने प्रसेन को मारा मणि के लिए, फिर भी राजा ने तो ये कह ही दिया था कि कन्हैया नहीं मारा है। रात भर नींद नहीं आई भगवान को। अगले दिन उठे तो सैनिकों को साथ लेकर भगवान उसी जंगल में गए जहां प्रसेन को मारा गया था। पता तो लगाऊं किसने मारा, मेरे ऊपर लगे कलंक को मिटाऊं तो सही। जंगल में गए भगवान, जहां प्रसेन मरा हुआ पड़ा था उसके आसपास घूम करके देखा तो एक चीते के पंजों के निशान देखे। निशान देखते देखते भगवान आगे बढ़े तो चीता मरा हुआ पड़ा था। भगवान समझ गए कि प्रसेन को किसी चीते ने मारा है। और जहां चीता मरा पड़ा था वहां एक रीछ के, एक भालू के पैरों के निशान थे। वो निशान देखते देखते भगवान आगे बढ़े तो जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। समझ गए भगवान कि प्रसेन को मारा चीते ने और चीते को मारा भालू ने। जामवंत जी की गुफा में भगवान गए, सैनिक बाहर खड़े थे, भगवान अंदर गुफा में जाते हैं। अंधेरा बहुत था, भगवान का पीतांबर चमकने लगा। जामवंत जी ने देखा कोई मुझे या मेरी बेटी को हानि पहुंचाने आया है, तो अपने बचाव के लिए जामवंत जी भगवान से युद्ध करने लगे। अब भगवान में और जामवंत जी में युद्ध छिड़ गया। उसी घोर अंधेरे में गुफा में भगवान का और जामवंत जी का युद्ध होने लगा। इतना मारा भगवान ने जामवंत जी को, इतना मारा कि जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी, इतना मारा। तब जामवंत जी ने कहा कि बस बस प्रभु बस, कितना मारोगे? अरे मैं समझ गया हूँ कि आप तो मेरे राम जी हो, बस प्रभु अब मत मारो, आपकी बड़ी कृपा, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, आपने मेरी मनोकामना को पूर्ण कर दिया, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा जामवंत जी की कौन सी मनोकामना? छोटी सी कथा आती है रामचरितमानस की कि जब राम जी ने रावण का वध किया, विभीषण जी को राजा बना दिया लंका का, वो भगवान अपने पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या वापस जाने लगे। तो जाते जाते भगवान ने सभी बानरों को अपने पास बुलाया और कहा कि जानकी जी को ढूंढने में आपने मेरी बड़ी सहायता की है, अगर आप नहीं होते तो शायद हम आज लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, तो आपकी बड़ी कृपा, आपका बड़ा सहयोग रहा कि आप सबने मेरी बड़ी सहायता की, जिसको जो मांगना है मांग लो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। अब आप में से जिसको जो मांगना है वरदान आप मांग सकते हैं, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो किसी बानर ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने ज्ञान मांगा, किसी ने वैराग्य मांगा, किसी ने चरणों में प्रीति मांगी। जामवंत जी की जब मांगने की बारी आई तो जामवंत जी बोले कि प्रभु देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो, एक इच्छा पूरी कर दो। भगवान बोले कैसी इच्छा? बोले रावण की सेना में, रावण की राक्षसी सेना में मेरे समान बलवान, मेरे समान योद्धा मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मेरे समान कोई बलवान योद्धा पहलवान मुझे दिखाई नहीं दिया जिससे मैं युद्ध कर सकूं। अच्छा रावण था बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा पहलवान, बहुत बड़ा बलवान था रावण, पर प्रभु उसको तो आप मारने वाले थे, उसको अगर मैं मार देता तो आप किसको मारते? तो यूं समझो कि आपके खातिर मैंने रावण को छोड़ दिया, पर रावण के सिवा मुझे दूसरा कोई बलवान योद्धा दिखाई नहीं दिया, तो मेरे बाजुओं की खुजली भी अभी तक मिटी नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि दो दो हाथ आपसे ही हो जाते तो बढ़िया होता, आप मुझसे युद्ध कर लीजिए, मैं भी तो देखूं कि मेरे राम जी में कितनी शक्ति है, आप में कितनी ताकत है, प्रभु आप मुझे बताओ, मेरे साथ युद्ध करो, ये मेरा वरदान है। तो उस समय भगवान ने युद्ध करने से मना कर दिया था। उस समय भगवान ने कहा कि देखो जामवंत जी, अगर यहाँ आपका और मेरा युद्ध हो गया ना तो संसार में हमारी बदनामी हो जाएगी, लोग क्या सोचेंगे कि बताओ भक्त और भगवान दोनों युद्ध कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? स्वामी और सेवक भला कभी युद्ध कर सकते हैं क्या? तो मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूँ अवतार लेकर, अभी तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, अभी तो मेरी मर्यादाएं हैं, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बनकर के आऊंगा तब मैं आपका ये वरदान, त्रेता युग का वरदान द्वापर युग में पूर्ण करूंगा, तब मैं आपसे युद्ध करूंगा।
और तब आप देख लेना कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, तब देखना आप। तो त्रेता युग का वो वरदान राम जी ने आज जब कृष्ण बन करके आए तब जामवंत जी का वरदान पूरा किया, आते से ही उनसे युद्ध कर लिया भगवान ने, और इतना मारा जामवंत जी को कि नस नस ढीली कर दी। तब जामवंत जी बोले, बस बस प्रभु, बस समझ गया हूँ मैं, आप तो मेरे राम जी हो, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। पर प्रभु आप यहाँ कैसे? भगवान बोले, अब क्या बताऊं आपको, अरे जिस खिलौने से आपकी बेटी खेल रही है ना, जिसको खिलौना समझकर आप उस चीते को मार कर लाए थे, ये कोई खिलौना नहीं, ये तो मणि है। इस मणि की 10 घंटे पूजा करो, 2 कुंटल सोना मणि देती है, और इसी मणि के खातिर मुझ पे कलंक लगा है। बस उस कलंक को मिटाने के लिए मैं जंगल में आया था, अब आप मुझे ये मणि दे दीजिए जामवंत जी, तो मैं ये मणि लेकर जाऊं और मेरे ऊपर लगे कलंक को मिटा सकूं। जामवंत जी बोले, प्रभु आपने मेरी इच्छा तो पूरी कर दी युद्ध करने की, पर अब मेरी एक इच्छा और है। क्या? कि मणि तो आप लेकर जा ही रहे हो, मणि के साथ साथ आप मेरी बेटी को भी स्वीकार कर लीजिए। ये जो मेरी बेटी है ना जाम्बवती, इसके कारण मैं अभी तक आपका भजन नहीं कर पाया, क्योंकि इसको अकेला छोड़कर अगर जंगल में भजन करने जाता तो इसकी सुरक्षा कौन करता? अभी तक मैं भजन नहीं कर पाया प्रभु, इसके कारण आप इसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो, द्वारिका ले जाओ, तब मैं निश्चिंत होकर आपका भजन कर सकूंगा, मेरी बेटी को ले जाओ। तब फिर भगवान ने जामवंत जी की बेटी को स्वीकार किया, वो मणि जाम्बवती के हाथों में जामवंत जी ने रखी, और जाम्बवती का हाथ भगवान के हाथों में रखा, जामवंत जी ने ही मंत्र पढ़ दिए, और भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ होता है। जामवंत जी का जाम्बवती का विवाह हुआ। बैठ जाओ जल्दी जल्दी माताएं, पटेल साहब इनको बिठाओ जल्दी जल्दी। इसीलिए जामवंत जी भगवान का भजन करने लगे और कहने लगे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान, मत कर तू, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू। आप भी ताली बजाकर कहें कि मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू। लाखों इस माटी ने खाए, वो तेरे हैं जैसे
राखो इस माटी ने अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान रे। एक ना एक दिन तो ये सब खोना ही पड़ेगा, ये जो मान सम्मान मिल रहा है, ये जो इतना नाम हो रहा है, एक ना एक दिन तो सब जाना ही है ना। थोड़े दिन का है फिर कोई याद नहीं करता, फिर तो फिर अच्छे कर्म किए होंगे, किसी के साथ अच्छे से रहे होंगे तो लोग कहेंगे कि अरे बड़ा अच्छा व्यक्ति था बेचारा चला गया, और बुरे कर्म किए होंगे तो वही लोग कहेंगे कि अच्छा हुआ मर गया, बहुत बेकार आदमी था। कर्म साथ जाते हैं हमारे, अच्छे कर्म बुरे कर्म, इसीलिए कहते हैं आगे तेरे पास है हीरा मोती, ओ तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में वो तेरे पास है हीरा मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तो कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू जाम्बवती को लेकर भगवान द्वारिका में आए, वो मणि भी लाए थे साथ में। सत्राजित राजा को भगवान ने सभा में बुलाया, सबके सामने वो मणि उसके हाथ में दी और सारा भगवान ने वृतांत तो सुना दिया कि तुमने मुझ पर कलंक लगाया था कि मणि की खातिर मैंने तुम्हारे भाई को मार डाला, पर मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा था, तुम्हारे भाई को तो एक चीते ने मारा था। अपने ऊपर लगे कलंक को भगवान मिटाते हैं। सत्राजित राजा को पता चला तो उसको बड़ा दुख हुआ कि मैंने बिना सोचे समझे भगवान पे कलंक लगा दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब कैसे प्रायश्चित करूं, कैसे पश्चाताप करूं। तब सत्राजित राजा अगले दिन अपनी बेटी सत्यभामा को लेकर आया और भगवान से बोला कि प्रभु वैसे तो आपने मुझे क्षमा कर दिया है पर मेरे मन में अभी तक शांति नहीं हुई है, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ और पश्चाताप के रूप में अपनी बेटी को आपको देना चाहता हूँ, आप इसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो, अगर आपने इसको अपनी पत्नी समझ लिया मान लिया तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। भगवान बोले ठीक है। तो सत्राजित राजा ने अपनी बेटी सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथों में दिया, सत्राजित राजा ने ही मंत्र पढ़ दिए और तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हो गया।
भगवान बोले देखो तुमने मुझ पे कलंक लगाया था तो सजा तो तुमको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि तुम बरी हो चुके हो, सजा तो मिलेगी। बोला क्या सजा देना है प्रभु? भगवान बोले देखो बेटी तो मैंने स्वीकार कर ली तुम्हारी, पर ये जो मणि मैंने तुम्हें दी है ना सब चमंतक मणि, तुम्हारी सजा ये है कि तुम 10 घंटे इसकी पूजा करोगे, नियम से इसकी पूजा करोगे, और 2 कुंटल सोना जो ये मणि तुम्हें निकाल कर देगी उस सोने को तुम मेरे खजाने में लाके रख देना, पूजा तुम करोगे सोना हम रखेंगे, सोना मेरे खजाने में लाके रख देना, ये तुम्हारी सजा होगी। उसने कहा जैसी आपकी इच्छा। ऐसे भगवान के 3 विवाह हुए। चौथा विवाह भगवान का कैसे हुआ? एक बार अर्जुन के रथ में विराजमान होकर भगवान वन विहार के लिए जा रहे थे। अर्जुन को प्यास लगी। अर्जुन ने देखा इकलेरा से हमारे राकेश परिहार जिनका टेंट है परिहार टेंट हाउस, ऐसे वहाँ एक नाग देवता का मंदिर है, हमने दर्शन किया है। और आपको मैं क्या बताऊं, इकलेरा में मैंने साक्षात दर्शन किए हैं, मैं विश्वास नहीं करता हूं हर जगह। मैंने तो बोल दिया बात है, मैंने कहा अगर आप यहां साक्षात हो तो मेरे को दर्शन दो, नहीं तो हम तो वहां एक नींबू को गोड़ है साहब, कभी कोई गया हो तो वहां साक्षात हमारे दर्शन जाए दीदी के नाम। ताली बजाओ, बोले इकलेरा धाम की जय। वहां से ये हमारे राकेश जी परिहार साहब आए, हमारे परिचित है। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन को प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप यहाँ रथ में विराजमान हो जाइए, मैं अभी जल पीकर आता हूँ सरोवर में से। भगवान ने कहा ठीक है। तो एक वृक्ष के नीचे भगवान को रथ में विराजमान किया। अर्जुन जल पीने के लिए गए तो उस सरोवर के किनारे पे एक सांवली सलोनी सी स्त्री जिसका रंग थोड़ा सांवला था पर बहुत सुंदर थी, वो ध्यान मग्न बैठी थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही थी। अर्जुन ने देखा कि ये सांवली सलोनी सी स्त्री यहाँ भजन कर रही है, क्या कारण है? पूछा कि आपका नाम क्या है, कौन हो आप, यहाँ क्या कर रही हो? तो उन्होंने अपना परिचय दिया उस स्त्री ने, उस महिला ने। वो कहने लगी कि मेरा नाम कालिंदी है, लोग मुझे यमुना महारानी कहते, मैं सूर्य पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम यमुना है और मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हूँ, इसीलिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन कहने लगे लोग कर लो बात, वो कहावत है ना बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अर्जुन कहने लगे कि जिनको तुम पति रूप में पाना चाहती हो वो तो मेरे रथ में बैठे हैं। यमुना महारानी कहने लगी सच में।